Hello everyone, welcome to Mohit Agriculture Tutorials. My name is Mohit Gupta and again welcome to one of my video of my playlist. मेरी एक playlist है जिसका नाम है Central Dogma of Life. उसमें मैं कुछ videos बना चुका हूँ already. Replication, transcription and after that prokaryotic, eukaryotic transcription के बारे में बना चुका हूँ. उससे पहले introduction दिया था एक छोटा सा. तो अब ये जो video है ये बनने वाली है translation के ऊपर. हम लोग बहुत डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर चुके थे. अब ट्रांसलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं. ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में लगभग इक्वली बिल्कुल वैसा ही रहता है. मिरर इमेज टाइप की रहती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे जो प्रोटीन्स लगते हैं आके, जो रेगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा संख्या हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा कम होती है. तो बस इतना ही जो है डिफरेंस रहता है. और लेट्स सी कि क्या होता है ट्रांसलेशन. क्या सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि ट्रांसलेशन होता क्या. ट्रांसलेशन एक्चुअली होता है कि हमारा जो जीन होता है, डीएनए होता है, उसको क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ता है. क्रोमोसोम अनबाइंडिंग होती है, न्यूक्लियोसोम अनबाइंडिंग होती है, उसी दौरान रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ होता है. और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है उसके दौरान मैंने आपको पहले बता दिया कि एमआरएनए का निर्माण होता है. वहां पे तीन तरीके के आरएनए बनते हैं, पहले बता दूं. वेरी फर्स्ट इज एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. अब ये जो टीआरएनए होता है इसका काम होता है एक्चुअली ट्रांसफर करने का है. ये क्या करता है कि ये ट्रांसफर करता है एक एरिया से दूसरे एरिया में अमाइनो एसिड को. तो वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर होता है. और इसके अलावा जो एमआरएनए है उसका काम होता है बस एक मैसेज पहुंचाना कि हमको इस अमाइनो एसिड को कोड करना है, और अगर ये अमाइनो एसिड नहीं हुआ तो ये पर्टिकुलर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. अब सेल को प्रोटीन क्यों बनाना है, सबसे बड़ी बात ये है. देखिए, ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आखिरी वीडियो में जो ट्रांसलेशन है इसके बाद मेरे थोड़ा सा रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑपेरॉन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कांत करेंगे. फिर ओ एक बार ऑपेरॉन हो गया, फिर उसके बाद जेनेटिक्स शुरू करेंगे. ठीक है, तो वहां पे भी पूरा डीएनए ही डीएनए है. फिर सेल के बारे में बातें करेंगे. एक बार सेल हो जाए फिर उसके बाद में आते हैं वापस कुछ नए टॉपिक्स पे जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं, और बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी पे आते हैं, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो है लाइफ साइंस के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल साइंसेस में बहुत ज़्यादा जरूरत है इनकी, राइट. तो अब ट्रांसलेशन समझिए. तो मैंने बताया कि प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है. प्रोटीन का निर्माण क्यों करना है बॉडी को. हमारी सेल का सबसे जो छोटा, जो छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं, ये समझ लीजिए. एक बार अगर प्रोटीन अगर जो मिसफोल्डिंग हो गई तो वो आपकी पूरी की पूरी जो है बॉडी लैंग्वेज उसके लिए सफर कर सकती है. सेल का जो असल का जो काम होता है अपने आप को शो करना किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, तो वो फिनोटाइप ही पर्टिकुलरली डिस्टर्ब हो सकता है अगर मिसफोल्डिंग हो गई तो. इसलिए सही प्रोटीन का चुनना बहुत जरूरी है. और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मैंने बताया कि पूरी हमारी बॉडी ही प्रोटीन की बनी हुई है. एक बात आप समझ लीजिए, प्रोटीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी. अगर आप जानते ही होंगे कि जो मसल बिल्डिंग करते हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं. क्यों लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज वन ऑफ द फेवरेबल थिंग दैट जीन्स यूज यूजुअली टू डिक्टेट एनी फिनोटाइप. अगर प्रोटीन होगा तो वो फिनोटाइपिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उनकी मसल बढ़ेगी, तो इस वजह से वो प्रोटीन लेते हैं. अब चलिए देखते हैं कि वैसे प्रोटीन नॉर्मल आदमी के लिए भी प्रोटीन जरूरी है. आई एम नॉट न्यूट्रिशनिस्ट बट ये बेसिक चीज है. ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है. प्रोटीन की पहले ट्रांसलेशन के दौरान जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन चेन का. इस तरीके से प्रोटीन चेन का निर्माण हो जाता है, और ये चेन बाद में, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, इट इज नॉट लाइक दैट. ये तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया प्रोटीन का, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और इस तरीके से जो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में
अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट होता है, रामचंद्रन ने प्लॉट दिया था। तो ये इस हिसाब से जो है प्रोटीन पूरा का पूरा, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री लेक्चर्स के ऊपर नहीं जाएंगे हम, अभी ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो है फंक्शनिंग होती है सेल। देखते तो क्या होता है कि जो सबसे मेन जो चीजें हैं सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो प्रोटीन बनाने के लिए सेल को चाहिए वो चाहिए एमआरएनए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, एक एक करके इस सबके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज जो चाहिए वो चाहिए टीआरएनए, ठीक है, जो कि बेसिकली ये जो टीआरएनए होता है ये एलोंगेशन के टाइम पे काम आता है, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है हमारी राइबोसोम, राइबोसोम। और फिर चौथी जो चीज होती है वो होती है फैक्टर्स, हम उनको फैक्टर्स कहते हैं ना। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड को वो भी कंटेन करते हैं, कुछ प्रोटीन फैक्टर्स को जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं उनको जीजीक्यू मोटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि करके एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये तीन फेजेस में डिवाइड होता है, जैसे ट्रांसलेशन जो है वो तीन फेजेस में डिवाइड होता है। ट्रांसलेशन तीन फेजेस कौन कौन सी होती हैं, इनिशिएशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और उसके बाद में आ जाता है रिलीज फैक्टर, या कह दीजिए रिलीज होता है इस समय पे, तो हम कह सकते हैं इसको टर्मिनेशन। अब ये तीनों एक दूसरे से अलग क्यों है, ट्रांसलेशन, तो ये तीनों एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि यहां पे जो प्रोटीन काम करते हैं वो कुछ अलग अलग प्रोटीन काम करते हैं। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, और इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, आरएफ मोटिव, ठीक है। तो ये होता है और ये स्पेशली रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी कंटेन करते हैं, ग्लाइसिन 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 एंड एनालिन करके, तो इनको हम कहते हैं जीजीक्यू मोटिव, ठीक है। यहाँ पे इनके जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं जीजीक्यू। ना ये जीजीक्यू मोटिव बहुत जरूरी है जब राइबोसोम के साथ में आपका जो एक बार एमआरएनए टीआरएनए बाइंडिंग हो गई उसके बाद में जीजीक्यू मोटिव क्या करता है, ये एक तरीके से मिमिक होता है। तो ये जाके अगर एक पार्ट, हम अभी पार्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे पार्ट्स को, तो हम कहते हैं जो एंट्री गेट होता है राइबोसोम का वहां पे जाके बैठ जाता है और धीरे 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 पूरा राइबोसोम से सब कुछ एमआरएनए को अलग करेगा, टीआरएनए को अलग करेगा, और हम कहते हैं कि ये जो जीजीक्यू मोटिव है ये धीरे धीरे दोनों के दोनों सब यूनिट्स को भी अलग कर देगा। तो ये तो पूरा का पूरा कहानी हो गया कि किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है, बहुत शॉर्ट, ठीक है। अब देख लीजिए बहुत ध्यान से, अगर ना दिख रहा हो तो किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत शॉर्ट स्टोरी मैंने एक बना दी है यहाँ पे। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या एमआरएनए किस तरीके का होता है और हमारा टीआरएनए किस तरीके का होता है। तो एमआरएनए जो हमारा होता है वो पर्टिकुलरली एक सीधा स्ट्रेच ऑफ आरएनए होता है, डीएनए की मिमिक होता है ये, ठीक है। तो ये बातों पे ध्यान दीजिएगा, डीएनए की मिमिक होता है, ठीक है। इसमें छोटे 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 ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में बात किया था। और ये ओपन रीडिंग फ्रेम क्यों होते हैं, ये ट्रिपलेट में बटे होते हैं, ये उसकी तरह ये जो है छोटे छोटे ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रिपलेट में बटा होता है, जैसे कि सी ए टी टी ए सी एंड सो ऑन, तो इस तरीके से ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट का क्या काम होता है, ये जो ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक प्रोटीन को कोड करते हैं, और ये जिस प्रोटीन को कोड करते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं जो अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं सॉरी जिस अमाइनो एसिड को ये कोड करते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं,
और जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होता है वो चेन बनाता है और बनके क्या हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये होता है एमआरएनए पर्टिकुलर। अब देखते हैं कि एमआरएनए असल में है क्या। तो हमने पता किया कि एमआरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो स्ट्रेच ऑफ आरएनए होता है जिसमें ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं, ओआरएफ होते हैं, जो कि अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये किसकी मिमिक होता है? बिल्कुल डीएनए की हूबहू मिमिक होता है। बस एक जो छोटा सा जो इसमें जो अंतर होता है वो ये होता है, ये जो एडेनिन होता है इसकी जगह पे यूरैसिल आ जाता है और बाकी सब कुछ, सॉरी एडेनिन की जगह नहीं, थाइमिन की जगह यूरैसिल आ जाता है, थाइमिन की जगह, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो उसको प्लीज तबड़ा जो है स्कोप पे मत देखिए, छोटा छोटा मिस्टेक है, मुझसे निकल जाता है। तो ये जो थायमिन है इसकी जगह पे क्या हो जाता है, यूरैसिल आ जाता है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा चलता है। ठीक है, एडेनिन के साथ में बॉन्ड बना लेता है यूरैसिल, तभी मैंने एडेनिन निकल गया मुझसे। तो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है इसका एमआरएनए। अब टीआरएनए के बारे में जब बात करते हैं तो टीआरएनए का शॉर्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का होता है, इसमें उसके आर्म्स होते हैं और इस तरीके का होता है, कुछ उसकी आर्म्स होती हैं यहाँ पे, यहां से भी थोड़ा सा अलग होता है, ये इस तरीके से बल्ज निकली होती है, हम इसको कहते हैं स्यूडो यूरिडीन आर्म। ठीक है, और ये जो बल्ज होता है ये भी एक बल्ज होता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है टीआरएनए का, दूसरा कुछ स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर पढ़ना है तो अलग से आप पढ़िए, तो ये जो ये एरिया होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से फैला हुआ होता है और यहाँ पे एंटीकोडॉन्स होते हैं, एंटीकोडॉन्स। अब एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स के बीच में बाइंडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एंटीकोडॉन्स बताते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे सुटेबल है। अगर ये बाइंडिंग नहीं करता है यहाँ पे तो वो जान जाता है टीआरएनए, राइबोसोम को पता चल जाता है ये टीआरएनए सही नहीं है, इसको आगे बढ़ाओ और इसको निकालो यहाँ से बाहर। तो ये टीआरएनए काम करे, अगर ये टीआरएनए इस टीएसी के साथ में बाइंड करता है, तो अगर ये टीआरएनए इस टीएसी कहूं या यूएसी कहूं इसके साथ में एंटीकोडॉन अपना बाइंड करता है आपके, तो हम कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स बन गया है और अब ये अमाइनो एसिड को जो है जनरेट करेगा और अमाइनो एसिड चेन बनाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टीआरएनए की। अब बात करते हैं अगर राइबोसोम की, और टीआरएनए का एक ही जो टी शेप नहीं, क्रॉस शेप नहीं है केवल, ये एल शेप में भी पाया जाता है, तो ये भी बातें ध्यान में रखनी। अब राइबोसोम की जब बात करते हैं तो अब राइबोसोम थोड़ा सा समझने वाला चीज है, क्योंकि ये आपका मेन पोर्शन आ जाता है यहां पे, जो कि बहुत थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अपना दिमाग को खोल के कि राइबोसोम कैसे वर्क करता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे समझ में आएगा। ठीक है, राइबोसोम का क्या होता है कि उसका एक बड़ा यूनिट होता है और एक होती है छोटी यूनिट। ठीक है, एक छोटा यूनिट होता है, बड़े और छोटे यूनिट में क्या होता है, ये जो छोटा यूनिट होता है ये प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 50s और 30s का, और अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो यही जो यूनिट हो जाता है ये बड़ा वाला यूनिट, ये हो जाता है 60s का और 40s का। ठीक है, ऐसे क्या होता है सुबग यूनिट होती है, ये सेंट्रीफ्यूज जब किया जाता है राइबोसोम को, ऐसे इसको आप प्लस करके नहीं कह सकते हो कि हम इसको जैसे 70s कहते हैं 50-30 को ऐड करके, तो ऐसा नहीं होता, प्लस करके इसका नाम रखा जाए, इसका निर्धारित जो नाम होता है वो रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूज पे जब इसको घुमाया जाता है तो ये जिस बैंड को फॉर्म करता है उस बैंड के हिसाब से इसका नाम रख दिया जाता है। चलिए वो तो अलग की बात हो गई। तो ये जो यूनिट्स होती हैं यहाँ पे एमआरएनए को पढ़ने वाला आरआरएनए पाया जाता है, जो बहुत जरूरी है। अगर आरआरएनए नहीं पाया जाएगा तो कोई भी गलत एमआरएनए भी आके यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ये देखना है कि जो एमआरएनए है वो सही जगह पे आके सही राइबोसोम के पास है, और राइबोसोम के पास भी एक उसका आरएनए है जिसको हमने कहा एमआरएनए, और ये एमआरएनए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जब प्रोटीन जब जनरेट हो रहा होता है, तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से बॉन्ड बना देता है एमआरएनए इसके और टीआरएनए के बीच में, जो कि हमको ये राइबोसोम पहचान जाता है
करेक्ट एमआरएनए, करेक्ट प्रोटीन, करेक्ट अमाइनो एसिड को जनरेट कर रहा है और इस तरीके से जो है एक पर्टिकुलरली प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये एमआरएनए के बारे में बात हुई। इसके अलावा इसके पास एक अपनी निर्धारित प्रोटीन होते हैं जो इसके अंदर काम करते रहते हैं, उनके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे जब राइबोसोम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा इसके तीन गेट्स होते हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसके तीन गेट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहले गेट को हम कहते हैं अमाइनो एसिड गेट, राइट, बिकॉज जो भी अमाइनो एसिड यहां पे आएगा वो असाइलेटेड होगा, उसमें असाइल ग्रुप लगा होगा। फिर जो बगल वाला जो अमाइनो ये जो होता है ये जो है इसके असाइल ग्रुप पे अपने अमाइन का अटैक कराता है और उसका अमाइन जो है इसके असाइल ग्रुप के साथ में जुड़ जाता है। तो इसने क्या किया, इसने तो अमाइनो एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ये अमाइनो एसिड गेट है, ये पेप्टिडी ये सॉरी ये जो गेट है इसने क्या ट्रांसफर किया, एक्चुअल में इसने पेप्टाइड को ट्रांसफर किया, छोटे छोटे अमाइनो एसिड को ट्रांसफर किया, पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर किया, NH3 और CO, क्योंकि हमको पता है कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो अमाइन उसके उसके ऊपर अटैक कर देता है, बेसिक केमिस्ट्री। तो क्या हुआ कि इसने अपने पेप्टाइड बॉन्ड को उधर ट्रांसफर किया, तो हमने इसको कहा पेप्टिडिल ट्रांसफर गेट, ठीक है, और यहां जो रिएक्शन होती है उसका हमने नाम रखा पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। और यहां पे जो लास्ट गेट होता है जो इसको हम कहते हैं एग्जिट गेट, और ये एग्जिट गेट का क्या काम होता है कि जब सब कुछ हो गया, जब आरएनए टीआरएनए जब खाली है तो उसको निकालो बाहर, उसका हमें अब काम नहीं है, तो ये काम होता है राइबोसोम का, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर को, बहुत बढ़िया से समझने वाली ये सब चीजें हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी में अब ये तो एक तरीके से प्रिकअप हो गया। इसके बाद में जो तीन प्रोसेसेस होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, तो उसके बारे में बात करते हैं, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ठीक है। तो देखते हैं कि बात हो पाती है नहीं, राइट। तो यहां पे जो आपका राइबोसोम, अब चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, बहुत टाइम हो गया, राइबोसोम को बना देते हैं दोबारा से। हमने कहा कि ये इस तरीके से राइबोसोम की दोनों यूनिट्स लगी हुई हैं, ये हमने पर्टिकुलरली हमने यहां पे गेट्स का नाम दे दिया, ये गेट्स हैं, ठीक है, पहला गेट, दूसरा गेट, और ये हमने कह दिया कि ये कौन सा गेट है, ये तीसरा गेट है, ठीक है। तो ये तीन गेट्स हैं, हमने इसको कह दिया कि ये अमाइनो एसिड गेट है, ये फर्स्ट गेट है अमाइनो एसिड, सेकेंड गेट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज गेट, और ये एग्जिट चैनल है, ई चैनल, इसको आप ए पी और ई से याद रख सकते हैं तो इजी रहता है, ए पी ई। तो क्या होता है, सबसे पहले यहां पे जो है इसको यूनिट को जो है डिसोशिएट करना है, ताकि ये यूनिट अगर डिसोशिएट होती है तो क्या होता है एमआरएनए आके बैठता है। तो यहां पे आ जाते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है, IF1, IF2, IF3, और ये तीनों के तीनों GTPase है, मतलब GTP एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले IF1 आके बैठता है कहां पे, फर्स्ट यूनिट पे, उसके बाद में IF2 और IF3 आ रहा होता है GTP के साथ में बाइंड करके, ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा होता है GTP के साथ में बाइंड करके, ठीक है, GTP के साथ में बाइंड करके आता है, और ये भी आके पहले गेट पे बैठता है, यहां पे पहले गेट। अब एक बार ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या होता है, ये जो दोनों के दोनों यूनिट है, ये जो बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, इनिशिएशन फैक्टर का ये काम। और ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो आके बैठते हैं उसमें बीच में और भी बहुत सारे रोल प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये माइनर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, मेजरली नहीं बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि दोनों के दोनों यूनिट्स जो है वो अलग हो जाती है, अब ये जो छोटा यूनिट है ये अपना अलग हो गया, और बड़ा यूनिट जो है वो इंतजार करता है कि कब पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो प्रोटीन बनाने के लिए, कब बजा के बैठे। तो ये बड़ा यूनिट ऊपर,
इसमें जो तीन गेट्स हैं उन तीन गेट्स को दिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी हैं। तीन गेट्स अगर नहीं समझ में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पाओगे। फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट और थर्ड गेट। तो इनिशिएशन फैक्टर, एक बार ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अलग हो जाता है, ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर इंतजार करते हैं एमआरएनए को आके सेटल होने का। एक बार एमआरएनए सेटल होने वाला होता है तो ये एमआरएनए आया और आके इसके ऊपर सेटल हो गया इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स होते हैं IF1, IF2, IF3, ये तीनों के तीनों यहां से IF1, IF2 एंड IF3 तीनों के तीनों फैक्टर अपने GTP को लेके निकल जाते हैं। अब इनको कोई भी काम नहीं है, ATP GTP को लेके निकल जाते हैं, अब इनको कोई भी काम नहीं है, mRNA एक बार आके सेटल हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है इसको हम कहते हैं स्मॉल यूनिट एंड mRNA कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब यहाँ पे और मेंबर्स आने वाले हैं इस प्रोटीन को जनरेट करने के लिए, हम उन मेंबर्स को समझते हैं इलांगेशन फैक्टर में। तो अब इनिशिएशन जो है वो खत्म हो गया है, इनिशिएशन में बस यही होता है कि ये दोनों के दोनों जो है अलग हो जाते हैं। अब जब tRNA आएगा तो वो जो बड़ा यूनिट है ये आके सेटअप कर जाएगा। और ये एक्चुअली क्या होता है कि एक राइबोसोम डजंट वर्क एट सिंगल मोमेंट, तो एक राइबोसोम नहीं वर्क करता है, बहुत सारे राइबोसोम एक बार में यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे ये जो हमने mRNA बना लिया है, अब यहाँ पे आता है विल से दिस टाइप ऑफ बल्ज लाइक tRNA। ये जो tRNA आ रहा है इसको इलांगेशन फैक्टर लेके आता है, इसको हम कहते हैं EFTU, राइट। EFTU ये एक प्रोटीन होता है जो इसके साथ बाइंड करके आ रहा होता है और इसको लाके सेटल करता है कहां पे, राइबोसोम पे mRNA के ऊपर जहां पे कोडॉन बन रहा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टार्ट कोडॉन है AUG वो पर्टिकुलरली मेथियोनिन को कोड करता है, तो हमको सबसे पहले मेथियोनिन चाहिए ताकि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो स्टार्ट कोडॉन से शुरू हो। और ये जो है ये स्टार्ट कोडॉन को ही सबसे पहले पढ़ेगा कि जो पहला वाला है। अब स्टार्ट कोडॉन कहां पे है, स्टार्ट कोडॉन होता है पेप्टिडिन ट्रांसफरेज एरिया पे। और इसका एक दूसरा भी आप लॉजिक समझ सकते हैं कि जब पेप्टाइड का ट्रांसफर हो रहा होता है तो ये वाला असाइन वाले को ट्रांसफर करता है, नए वाले को। अब अगर ये फैक्टर यहां पे होगा तो असाई कहां पे होगा, असाई वाला बाहर ही रह जाएगा तो चेन बन ही नहीं पाएगी, तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये जो EFTU है ये आके सेटल कर जाता है कहां पे, हमारा जो पेप्टिडिन ट्रांसफरेज एरिया है यहां पे, इस तरीके से ये हमारा tRNA सेटल कर गया और एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में बाइंडिंग बन गई। एक बार ये जो बॉन्ड बन गया एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में, तो ये स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, हम इस पर्टिकुलर tRNA को कहते हैं FMET tRNA, क्योंकि यहाँ पे मिथेनिन लगा होता है तो F फॉर्मुलेट के साथ में आता है, फॉर्मल ग्रुप के साथ में आता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि जब वो पूरा कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है राइबोसोम का, तो ये जो फॉर्मल ग्रुप होता है ये इसको छोड़ के निकल जाता है, केवल मिथेनिन बचता है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि फॉर्मल ग्रुप जो होता है वो छोड़ के निकल गया एक बार। तो ये जो EFTU है ये जिस पहले जिस tRNA को लेके आ रहा है उस tRNA को हमने कहा FMET tRNA, बहुत बड़ा प्रोसेसर ध्यान से समझिएगा। तो FMET tRNA यहाँ पे आके सेटल हो चुका है, AUG कोडॉन को रीड कर दिया है, मेथियोनिन के साथ में बॉन्डिंग बन गई है, मेथियोनिन यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड स्पेसिफाई हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये जो हमारी जो यूनिट है ये यूनिट आके सेटल हो जाएगी और ये राइबोसोम कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाएगा। पर राइबोसोम खुलता और बंद होता रहता, खुलता बंद होता रहता इस तरीके से होता, क्योंकि इसको अभी और भी ज्यादा tRNA इसको यहाँ पे सेटल करना। अब अगला जो tRNA है, जिस भी कोडान, जो भी यहाँ पे कोडान होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कोडान ले लेते हैं जो किसी भी, जैसे CATE स्पेशली हिस्टिडीन, तो अगर हम उसको कोडान को यहाँ पे ले लेते हैं तो वो हिस्टिडीन को कोड कर लेगा। तो कोई भी जो भी कोडान होगा वो tRNA यहाँ पे आएगा और उसके पास वो एंटीकोडान जरूर होना चाहिए। वो एंटीकोडान और कोडान में जब तक बाइंडिंग नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो उस अमाइनो एसिड को जो है
यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनने देगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा जो है हम कह रहे हैं, ये दूसरा टी आर एन ए आके बैठ गया यहाँ पे। अब एंटीकोडन और कोडन के बीच में एक बार बाइंडिंग हो गई, अब ये राइबोसोम की यूनिट खुल रही बंद हो रही है, ये ऐसे समझ लीजिए। अब ये भी EFTU के साथ में आया। अब दूसरा इलांगेशन अब दूसरा इलांगेशन फैक्टर आएगा यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाना है एग्जिट गेट की तरफ, क्योंकि ये वाला जो मेथियोनिन है ये एक्चुअल में इस हिस्टिडीन के साथ में बॉन्ड बना चुका है, ठीक है। तो ये जो अब क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया है, ये जो बॉन्ड बन गया है इस हिस्टिडीन, अब ये खाली टी आर एन ए, तो यहां पे एक नया इलांगेशन फैक्टर मैं बात करता हूं जिसको कहते हैं ये इलांगेशन ऐसे कुछ बना देते हैं, इसको कहते हैं हम EFG। अब ये EFG बहुत जरूरी है क्योंकि ये बाद में जाएगा और रिलीजिंग फैक्टर्स के साथ में भी वर्क करेगा। और ये जो EFTU और ये जो EFG होता है, ये आपस में GTP शेयर करते रहते हैं और अदला बदली करते रहते हैं। ये ये जो EFG है, ये आके यहाँ पे असाइल ग्रुप पे, जहां पे असाइल ग्रुप है मतलब अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज देती है, यहाँ पे आके बैठ जाएगा और इस अमाइनो एसिड को आगे बढ़ा देगा। अब ये अमाइनो एसिड कहां पे आ गया, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एरिया पे आ गया, यहां वाला, ठीक है। ये जो टीआरएनए जो इस अमाइनो एसिड को लिए हुए था, ये कहां आ गया, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एरिया पे आ गया। अब नया EFTU आएगा, जब नया EFTU आएगा तो ये जो EFG है ये इस EFTU के साथ में फिर से GTP का ट्रांसफर करेगा और क्या होगा फिर उसके बाद में वापस में जो है EFTU ले जाके एक नए टीआरएनए को, जो कि नए स्पेसिफिक कोडान को रीड करेगा, वहां पे अमाइनो एसिड एरिया पे लाके छोड़ देगा। और ऐसा नहीं है कि mRNA एक ही जगह पे रहता है, mRNA भी धीरे 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 बढ़ रहा है। अब आप वो सोच सकते हैं, वो धीरे 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 बढ़ रहा है आगे और नए नए कोडॉन्स को आगे कर रहा है कि आप उसको भी रीड करो। तो ये ट्रिपलेट है, अब नए tRNA उसको रीड करेगा, उसके पास अगर मैच हो जाएगा तो वो जो है यहां से फिर से पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन होगी और फिर से जो है ये वाला जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एरिया पे है ये खाली हो जाएगा और ये फिर से जो है अमाइनो एसिड एरिया पे ये भर जाएगा अमाइनो एसिड से और ये एग्जिट चैनल की तरफ जाएगा, ठीक है। ये एग्जिट चैनल की तरफ जाएगा, एग्जिट चैनल, और यहां से सीधे बाहर हो जाएगा जब दूसरा जो नया वाला जो टीआरएनए जो खाली हो चुका होगा वो जब एग्जिट चैनल की तरफ आएगा तो पुराना वाला निकल जाएगा, ये प्रोसेस होता है। अब बीच में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं EFTU EFG ये बीच बीच में मिलते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं और GTP की बदला अदला बदली करते रहते हैं। EFTU आएगा तो EFG निकल जाएगा, EFG आएगा तो EFTU निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलांगेशन की, इलांगेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं रिलीज फैक्टर की और इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में अगली वीडियोज में हम लोग रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। हाउ दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड, मेन थिंग राइज ओवर देयर ओनली। सो ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है कि रिलीज फैक्टर्स होते हैं जिनको हम RF फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, इसमें GGQ मोटिव होता है। और हां, ये जो आपका पहला जो मेथियोनिन जो आपका था MFETTRNA था, इसके पास CCA मोटिव था। सबसे पहला CCA मोटिव होना बहुत जरूरी है, तभी ये जो है वो स्टार्ट कोडॉन के साथ में बाइंड कर पाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो RF फैक्टर्स हैं, इनके पास GGQ मोटिव होता है, एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है इनके पास में GGQ मोटिव, डबल GGQ, जो कि एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि आके जब तक सेटल नहीं करेगा तब तक ये सब के सब जितना mRNA है सब कुछ अलग नहीं होगा। एक बार ये RF फैक्टर जाके यहां पे सेटल कर जाता है, रिलीज फैक्टर बहुत सारे होते हैं, एक रिलीज फैक्टर नहीं होता है, वन रिलीज फैक्टर, वन रिलीज फैक्टर, टू रिलीज फैक्टर, थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। यूकैरियोट्स में और भी ज्यादा टिपिकल प्रोसेस हो जाता है। एक बार ये जाके सेटल कर गया तो ये जो जितना भी आप देखते हैं tRNA, ये जो जितना भी देखते हैं ये सब इसको कॉम्प्लेक्स को पूरा का पूरा छोड़ के निकल जाएगा, ये इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के निकल गया। और यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, रिलीज फैक्टर अकेले वर्क नहीं करते, उनके साथ में जो हमारा जो इलांगेशन फैक्टर जो जी था EFG वो भी आता है साथ में और हेल्प करता है आके उनकी। और एक बार ये पूरा का पूरा, अब हम mRNA को सबको मिटा रहे हैं, ठीक है,
एमआरएनए को सबको मिटा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के निकल गया है, एमआरएनए अलग हो गया है और सारे प्रोटीन भी छोड़ दिए हैं, अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नई साइकिल के लिए रेडी है, ठीक है ना। जो हमारा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है वो नई साइकिल के लिए रेडी है। अब सारे के सारे जितने फैक्टर्स हैं सब छोड़ के निकल गए, एमआरएनए भी अलग हो गया, टीआरएनए भी सब निकल गए हैं और रिलीज फैक्टर्स भी रिलीज हो जाते हैं अंत में, ठीक है। पर कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखने वाली है। जो आपका राइबोसोम है डज नॉट वर्क सोली इन प्रोकैरियोट्स, वो बहुत सारे हजारों में राइबोसोम होते हैं जो वर्क करते रहते हैं। अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं वहां प्रोटीन की संख्या बढ़ जाती है और राइबोसोम ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं वहां पे इस तरीके से, और वो एक राइबोसोम मोशन नहीं करता, गलत वर्ड मैंने बोल दिया, मोशन नहीं करते हैं, सर्कुलर पाथ इस तरीके का बना लेते हैं और इस तरीके के सर्कुलर पाथ में बहुत ढेर सारे राइबोसोम जो है एक हमारा एमआरएनए को जो है बांधे होते हैं और उनसे प्रोटीन को निकालने होते हैं। तो प्रोटीन को भी निकलता हुआ दिखा देते हैं सहूलियत के लिए। सो लेट्स से कि ये जो ब्लू कलर का बन रहा है ये प्रोटीन है, तो इस तरीके से ये प्रोटीन हमारा जो है रिलीज हो रहा है। तो एक बार ये जो प्रोटीन की चेन रिलीज हो जाती है उसके बाद फर्दर बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, फोल्डिंग होती है और मिस फोल्डिंग अगर हो गई धोखे में भी तो प्रोटीन बेकार हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस ट्रांसलेशन का, किस तरीके से फंक्शन करता है ये प्रोसेस। मैंने कोशिश किया है कि जो जितना आपको बता सकूं उतना बता दिया है मैंने, ठीक है। और इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी वो रेगुलेशन पे आएगी, कैसे हम रेगुलेट करेंगे इसी ट्रांसलेशन को, ठीक है। और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है कई सारे प्रोटीन्स का और स्पेशली शुगर का, लैक्टोज शुगर, ट्रिप्टोफैन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जब आप रेगुलेशन ऑपेरॉन को पढ़ेंगे। ऑपेरॉन बहुत जरूरी है और यूकैरियोटिक प्रोसेस इज नॉट दैट सिंपल, इट्स अ बिग डिफिकल्ट, तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ट्रांसलेशन को एंजॉय कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत, और दिस इज फॉर यू।